गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। वी रीड इन कोर्स बुक एंड अबाउट द स्टार्स। आज हम स्टार्स के बारे में स्टडी करेंगे। इससे बिफोर क्लास में हमने मून एंड अर्थ के बारे में स्टडी किया था, आज हम स्टार्स के बारे में स्टडी करेंगे। स्टार्स आर द मेड ऑफ हॉट ग्लोइंग गैसेज। जो स्टार्स है वो हॉट ग्लोइंग गैसेज से बना हुआ होता है। सम स्टार्स आर स्मॉलर देन द सन। कुछ स्टार जो होते हैं वो सन से स्मॉलर होते हैं। अदर्स आर मोर देन 1000 टाइम बिगर देन इट। और इसके अलावा जो अदर स्टार्स होते हैं वे इससे यानी मून से इससे सॉरी सन से 1000 टाइम बिगर होते हैं। ऑन ए क्लियर नाइट, एक क्लियर नाइट में यू कैन सी 1000 ऑफ स्टार्स, आप 1000 स्टार्स देखते हो। ऑन क्लोज ऑब्जर्वेशन, ध्यान और ध्यान से देखने पर यू कैन सी दैट सम ग्रुप ऑफ स्टार्स फ्रॉम ए पैटर्न इन द स्काई। हम अगर उसको उसको ध्यान से देखें तो हमें ग्रुप दिखाई देते हैं, स्टार्स के ग्रुप देखें जैसे ये बने हुए हैं, स्टार्स के ग्रुप दिखाई देते हैं। दीज आर कॉल्ड कंस्टिलेशंस यानी तारामंडल, उसको क्या कहते हैं हम, तारामंडल। ग्रेट बियर इज वन सच कंस्टिलेशन, जो ग्रेट बियर है वो जो इनमें से एक कंस्टिलेशन है, एक तारामंडल है, जिसको हम हिंदी में सप्तऋषि मंडल कहते हैं, क्योंकि ये 7 स्टार से बना हुआ होता है। 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 स्टार से बना हुआ होता है, जिसको हिंदी में हम सप्तऋषि मंडल कहते हैं और इंग्लिश में इसको ग्रेट बियर कंस्टिलेशन कहते हैं। ओके, इसके बाद अगर लेट्स ट्राई 5 है, इसको हम सॉल्व करेंगे। राइट ट्रू एंड फॉल्स हमें यहाँ राइट करने हैं। ए नंबर, ऑल स्टार्स गिव आउट हीट एंड लाइट। जो ऑल स्टार्स होते हैं, सभी जो स्टार होते हैं वे हीट और लाइट देते हैं, क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही है, तो इसमें क्या करेंगे हम, ट्रू कर देंगे। नंबर बी, द सन इज द स्टार क्लोजेस्ट टू द अर्थ। सन जो है वो अर्थ के बिल्कुल क्लोजेस्ट यानी पास वाला स्टार है, तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये हमारे ज़्यादा पास है तभी तो हमें ये बिग दिखाई देता है। ठीक है, द मून इज बिगर देन द सन। जो मून है वो सन से बिगर है, तो ये तो बहुत गलत बात है, क्योंकि मून तो सन से बहुत छोटा है। ठीक है, द मून गिव्स आउट इट्स ओन लाइट, मून की अपनी ही लाइट होती है, तो ये भी गलत है, क्योंकि हमने चैप्टर में मून के बारे में जब स्टडी किया था तो हमने स्टडी किया था कि मून की अपनी लाइट नहीं होती है, उसे कौन देता है लाइट, वो कहाँ से प्राप्त करता है, सन से, तो इसमें क्या किया है हमने, फॉल्स। इसके बाद में देयर इज लाइफ ऑन द अर्थ बिकॉज ऑफ द सन, अर्थ पे हमारी लाइफ है, हमारा जीवन है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द सन, क्योंकि उस वहाँ सन की लाइट होती है, तो ये क्या बिल्कुल सही है कि सन की लाइट के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। इसके बाद देखो हमारे ये क्वेश्चन नंबर 2 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 or 2 सेंटेंस इन योर नोटबुक। तो देखिए ये जो है ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। व्हाट इज़ द सोलर सिस्टम, तो हमने देखो मैं आपको इधर ये देखिए, लेट्स ट्राई 5 इसके क्वेश्चन आंसर है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सोलर सिस्टम, उसमें फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, ए नंबर वाला, व्हाट इज़ द सोलर सिस्टम, द सन अलोंग विथ ऑल द प्लैनेट्स एस्ट्रॉइड एंड कॉमेट्स इज कॉल्ड द सोलर सिस्टम, ये इसका आंसर है। ये हमने स्टार्टिंग में जो चैप्टर जब स्टार्ट किया था उसमें हमने ये पढ़ा था, ठीक है, हमने स्टडी की थी। ठीक है, इसके बाद में व्हाट डू यू मीन बाई द रोटेशन ऑफ द अर्थ, अर्थ के रोटेशन ऑफ द अर्थ, जो रोटेशन करती है उसको क्या कहते हैं, द स्पाइनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओवन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। जो अपने एक्सिस पे जब जो अर्थ है वो राउंड करती है, मूवमेंट करती है, घूमती है, उसी को क्या बोलते हैं, रोटेशन। ये आपको मैंने जब चैप्टर स्टडी करवाया था तब आपको अंडरस्टूड करवा दिया था। व्हाट डू यू अंडरस्टूड बाय द रोटेशन रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ का मतलब क्या है, द अर्थ सर्कल अराउंड द सन, जब पृथ्वी सन के चारों तरफ चक्कर निकालती है। हमने स्टडी किया था कि यहाँ सन और जो पृथ्वी है वो उसके चारों ओर चक्कर निकालती है, उसको क्या बोलते हैं, रिवोल्यूशन, उसको क्या बोलते हैं, रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन। ठीक है,
अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवोल्यूशन. व्हाट डू यू मीन बाय द फेजेस ऑफ द मून? फेजेस ऑफ द मून, मून के फेजेस जो हमने इससे बिफोर क्लास में स्टडी किया था कि जो चंद्रमा की कलाएं हैं उसका मतलब क्या होता है. द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एंड द अर्थ एंड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. जब मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, जब मून अर्थ के चारों ओर चक्कर निकालता है, एंड द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, जब अर्थ सन के चारों ओर चक्कर निकालती है, व्हेन द पोजिशन ऑफ अर्थ एंड मून चेंजेज इट्स शेप्स, तब मून जो है अपनी शेप चेंज करता है. द मून अपीयर्स टू हैव चेंज, तो अपनी जो मून है वो अपनी शेप चेंज करता है. चेंजेज इन द शेप ऑफ द मून आर कॉल्ड इज फेजेज, और जो मून अपनी जो शेप चेंज करता है उसी को फेजेज कहते हैं. ठीक है, ये हमने बिफोर क्लास में भी स्टडी किया था. तो ये जो आपका लेट्स ट्राई 5 है वो आपको नोटबुक में करना है. उसके फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो ट्रू फॉल्स वो आपको बुक में ही करना है, और ये जो 2 वाला क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, वो आपको अपने नोटबुक में राइट करना है. इसका पीडीएफ आपको मैं सेंड कर दूंगी. ओके, थैंक यू.